क्या हाल चाल है? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है आप लोगों की? चलिए, स्वागत है आप सभी लोगों का, और मैं स्वागत ही करता रहूँगा क्योंकि आप जो है स्टूडेंट नहीं गेस्ट बने रहेंगे, ठीक है? सो कोशिश करिए कि ये जल्दी से जल्दी बन जाए स्टूडेंट, ठीक है? अभी आप हर जगह ना गेस्ट की तरह जो है ना अपियरेंस या अपियर होते हैं या अपीयरेंस देते हैं, ठीक है? सो ये जब तक रहेंगे तो इसका मतलब पढ़ाई जो है ढंग से चल नहीं रही है। जब आप ये बन जाएंगे तब आप पढ़ाई वाली दुनिया में आएंगे, ठीक है? समझ रहे हैं कि नहीं? काक चेष्टा बको ध्यानम स्वानि निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसमें बहुत सारे लक्षण जो है ना सही में स्टूडेंट से मैच नहीं करते हैं, उन्होंने अपना पूरा जो है दिशा और दशा दूसरा बदल के रखा हुआ है, क्लियर है? सो हम पढ़ रहे थे सेल, पहला चैप्टर हमने इसमें फिनिश किया है। पहला चैप्टर कह रहे हैं, चैप्टर वन चल रहा है, जो सेल की यूनिट है, यूनिट कौन सा है, थर्ड है, आई डोंट नो, 11th क्लास का है ये। सो प्रिपरेशन नीट के लिए चल रही है, इसलिए 11th 12th दोनों साथ साथ कुछ कुछ चल रहा है। उधर हमने इकोलॉजी का पूरा सेक्शन खत्म किया है, अब इसके बाद ये सेल खत्म करेंगे, फिर उसके बाद उधर रिप्रोडक्शन पे जाएंगे, फिर इधर फिर से फिजियोलॉजी वाले पोर्शन पे शायद आएंगे। समझ रहे हैं ना? ऐसे मतलब एक यूनिट इधर एक यूनिट इधर ऐसे चलेगा, क्लियर है? 12th जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि उसमें यूनिट जो है कम है। 12th जल्दी खत्म होगा क्योंकि उसमें यूनिट कम है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, सब मजेदार है, सब मस्त है, और सब अच्छे से खत्म होगा। एग्जाम के 2 महीने 3 महीने 4 महीने पहले बिल्कुल फिनिश कर लेना है आपको। मेरा तो फिनिश हो जाएगा, मेरे पास टाइम जब मिल जाता है तो मैं आराम से जल्दी जल्दी कर देता हूँ। कोई नहीं, छोटे छोटे वीडियोस आपके अकॉर्डिंग ही बना रहे हैं हम। चलिए शुरू करते हैं, आप लोगों का इंटरटेनमेंट हो चुका होगा शायद। सो थोड़ा सा सीधे स्ट्रेट बैठ जाइए, टेबल पे बैठ जाइए, हाँ ऐसे टेक लगा के दीवार से वीडियो मत देखिए। ओवरव्यू है सेल का, तो इसमें एक्चुअली में ना ओवरव्यू में बेसिक चीजें बताई हैं कि क्या क्या सेल स्ट्रक्चर और सेल के जो कुछ पार्ट हैं क्या क्या होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोट्स में भी प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है? समझ रहे ना? इतने हैं बेसिकली। सो 12th क्लास में अगर प्रैक्टिकल करवाया गया हो तो, या भाई ग्रेजुएशन वाले भी यहाँ तैयारी कर रहे होंगे कुछ कुछ, तो इनको प्रैक्टिकल करवाया जाता है ना, तो हम जब सेल या सेल के स्पेशली सेल डिवीजन की जब स्टडी करते हैं, सेल डिवीजन की, तब हम ना दो टाइप की सेल को एनालाइज करते हैं। प्लांट की सेल में अगर हम देखते हैं तो अनियन, अनियन का हम सेल देखते हैं, उसको देखते हैं अनियन के रूट टिप का, ठीक है? रूट टिप का ये एक्सपेरिमेंट बहुत कॉमन है जब हम सेल डिवीजन देखते हैं। लेकिन हम खाली सेल के स्ट्रक्चर को देखते हैं ना, तो जो अनियन का पील होता है ना, मतलब जिसको ऐसे छीलते हैं ना, जो छिलका उसका है, परत दर परत, परत जो कहते हैं ना कि एक परत उतारी है फिर अगला परत उतारी है, ठीक है? समझ रहे हैं कि नहीं? देखे हैं कि नहीं भाई अनियन? अब देखेंगे ना तो ऐसे रहता है अनियन, ठीक है? यहाँ पे क्या होती है, रूट्स होती है अनियन की, जो है रूट्स होती है। समझ रहे हैं कि नहीं? और यहाँ पे जो है ना ऐसे ऐसे छील, ये पीलिंग है इसके, ये पील्स होते हैं। जब आप एक एक परत ऐसे उतारते जाएंगे तो आपको ऐसे जो है ना पील्स दिखेगा, और सेंटर में पहुंचेंगे तो आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिखता जाएगा, और लास्ट में ऐसे होगा, ठीक है? दिस इज अनियन। समझ रहे हैं कि नहीं? दिस इज अनियन। इसी की बोल रहा है, बात कर रहा है कि यहां से जो पील निकाला ये, ठीक है, इसी को जब एनालाइज किया, एक तो ये हो गया, तो ये टिपिकल प्लांट सेल स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है? और दूसरा अपने चीक गाल के अंदर से ऐसे करके वो आता है निकालने के लिए, जो स्वैब होता है उससे करके हम जब चीक सेल को एनालाइज करते हैं तो ये हमको एक टिपिकल एनिमल सेल के स्ट्रक्चर को बताता है या दिखता है, क्लियर है? तो ये अनियन पील, और ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, टिपिकल प्लांट सेल। और जब प्लांट सेल को हम देखते हैं तो पता है प्लांट सेल की बात करते हैं, अगर हम बहुत कॉमन स्ट्रक्चर है बनाने का, ऐसे बनाते हैं प्लांट सेल को दिखाने के लिए। खाली इसी टाइप की प्लांट सेल नहीं होती है भाई, ठीक है, लेकिन हम बनाते ऐसे ही हैं, नहीं बनाते ऐसे ही है ना, ये क्यों बना रहे हैं, क्योंकि दूसरी सेल से जुड़ी हुई है। तो ये जो ये है ना पोर्शन, बीच में मिडिल लैमिना आता है, और ये बाहर वाला जो ये है, चाहे इसका ये क्या है, सेल वॉल है,
और सेल वॉल जो होता है प्लांट का करेक्टरिस्टिक फीचर है। हालांकि प्रोकैरियोट्स में भी सेल वॉल देखने को मिलेगा मेजरली, कुछ एक आध को छोड़ के, मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं दे आल्सो प्रोसेस द सेल वॉल, बस उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है अलग हो जाता है। यहाँ प्लांट में सेल वॉल जो होती है किससे बनी होती है, सेलुलोजिक होती है। किससे बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और हम इसीलिए प्लांट की सेल को या प्लांट जो हम खाते हैं पौधा हरी घास या कुछ भी उसको कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम हमारे इंटेस्टाइन में नहीं होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन वहां से अदर न्यूट्रिएंट, हम इसको जब ब्रेक करते हैं फ्रेगमेंट होता है इसका, तो अदर न्यूट्रिएंट जो होता है वहां से हमको वो चीजें मिलती हैं, क्लियर है। लेकिन जब एनिमल सेल को एनालाइज करते हैं, तो एनिमल सेल मान लीजिए ऐसे दिखी हमको, तो यहाँ पे आपको सेल वॉल नहीं दिखती है, यहाँ डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन दिखती है। क्या दिखती है, सेल मेम्ब्रेन, या इसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो क्या प्लांट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती है? अरे होती है भाई, यहाँ पे सेल वॉल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कोई भी सेल सेल नहीं कहलाएगा, ये होगा ही होगा, ये आउटर लेयर जो होती है ये होगी ही होगी, ठीक है, समझ रहे हैं ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, दिस इज सेलेक्टिवली परमिएबल, इसका मतलब समझते हैं, ये वैसे ही है जो गेटेड सोसाइटी होती है या आपका घर है, आपके घर में क्या सब लोग एंट्री कर जाते हैं क्या? नो भाई, सब लोग कहाँ से करते हैं, हाँ कोई एंट्री नहीं करता, सब लोग एंट्री करने लगेगा तो फिर सराय हो जाएगा, पब्लिक प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्राइवेट प्लेस की तरह होता है जहां पे एंट्री जो होती है रेस्ट्रिक्टेड होती है, समझ रहे हैं ना, एंट्री रेस्ट्रिक्टेड। और उसी के लिए सारी सेल्स के बाहर एक कवरिंग होती है, एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां से कोई चीज अंदर भी जा सकती है और बाहर भी जा सकती है, लेकिन ये क्या, कोई भी चीज नहीं जा सकती है, ये सेलेक्टिव परमिएबल होता है, मतलब जिसकी रिक्वायरमेंट होती है सेल की, सेल को कुछ कुछ चीजें वो बाहर से अंदर जा सकती हैं और कुछ कुछ चीजें ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे बाद में सेलुलर कनेक्शंस भी हमको देखने को मिलते हैं यहाँ, ठीक है। एनिमल टू एनिमल में सेल जंक्शंस होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है, और जो प्लांट टू प्लांट होते हैं तो वहां पर जो जंक्शन या कनेक्शन होता है उसको प्लाज्मोडेस्मेटा बोलते हैं एनिमे, ये हम चलते हैं। तो ह्यूमन चीक और इसका समझ में आ गया। अब जब हम सेल के स्ट्रक्चर को देखते हैं, मान लीजिए बनाए ना, तो इसमें एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर ऐसे दिखता है आपको, ये प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर, ये कवर होता है एक ऐसे स्ट्रक्चर से, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस मिलेगा, और न्यूक्लियस क्या होता है, ये कंट्रोलिंग सेंटर होता है, क्या होता है, कंट्रोलिंग सेंटर, मतलब ये एक्चुअली में ब्रेन है, क्या है ये, ब्रेन है, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या चीजें होती है, ये जो मैंने बताया, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है तो ये जो हमने बताया क्या है, डीएनए, ठीक है। और डीएनए के साथ ही कुछ और प्रोटीन मिल जाती है जिनको हम स्पेशली क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तब ये क्या बना देता है, डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन मिल जाता है तो क्या बना देता है भैया, क्रोमोसोम, मतलब जब ये और डेंस होता है, मतलब ये मिलके इसके बाद और उसमें क्या बोलते हैं, फोल्डिंग होती है इसकी मल्टीपल टाइम्स, न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन होता है, फिर फोल्डिंग होती जाती है, अराउंड 2 नैनोमीटर साइज का देखिए हमारा डीएनए होता है, ठीक है। मतलब इसका डायमीटर अगर हम देखें तो ये होता है, समझ रहे हैं कि नहीं, लेकिन हाँ हाँ 20 एंगस्ट्रम या 2 नैनोमीटर। सो इसका कंडेंसेशन, मतलब जब ये होता जाता है कंडेंस में, ये अराउंड 1400 नैनोमीटर साइज का हो जाता है, ठीक है, 1400 समझ रहे हैं ना, 700 टाइम्स जो है क्या होता है, फोल्डिंग होती है इसकी, तब जाके क्रोमोसोम बनता है। तो क्रोमोसोम में खाली डीएनए नहीं होता है, प्रोटीन भी होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है इतनी चीजें। सो न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस का होना मतलब ये न्यूक्लियस अलग से स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ये न्यूक्लियस है अगर तो ये भी मेम्ब्रेन बाउंड होता है, और मेम्ब्रेन है तो ये भी सेलेक्टिव परमिएबल होता है, मतलब किसी भी चीज को अपनी मर्जी और जिसकी नीड है उसी को अंदर आने देगा, और जिसको चाहेगा कि ये बाहर जाए वहीं बाहर जाएगा, मतलब कोई भी अपने मनमानी का नहीं हो सकता। अगर अपने मनमानी का चीज आने लगे और बाहर निकलने लगे, इसका मतलब क्या है, सेल की इंटीग्रिटी जो है ना, सेलुलर इंटीग्रिटी खत्म हो चुकी है,
और सेलुलर इंटीग्रिटी खत्म होने का मतलब है सेल डैमेज्ड है, ठीक है, सेल डैमेज्ड है। तो न्यूक्लियस जहां पे पाया जाता है, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं प्रॉपरली, ठीक है, सो उस सेल को हम बोलते हैं यूकैरियोट। एक्चुअली में यू का मतलब ट्रू होता है और कैरियन का मतलब ना न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। सो यूकैरियोट मतलब जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियस है मतलब इसके बाहर मेम्ब्रेन है और अंदर साइड में ये डीएनए स्ट्रक्चर है और इसी में न्यूक्लियोलस भी होगा, ठीक है, होगा ना, यस yes। दूसरा क्या होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोट, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट बोलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल मान लीजिए है जैसे बैक्टीरियल सेल है, तो इसमें ना न्यूक्लियस जो होता है अब्सेंट होता है। प्रो का मतलब प्रिमिटिव, प्रो का मतलब अरे ये प्रो वाला नहीं कि हम प्रो हैं, ठीक है, गेमिंग में प्रो है, प्रो का मतलब यहाँ पे प्रिमिटिव हो गया सपोज, ठीक है, और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस ही हो गया। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब यहाँ पे क्या है, सेल मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन नहीं है इसके बाहर, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो ना, तो ये यहाँ पे अब्सेंट है। तो यहाँ पे क्या है, केवल और केवल ऐसे आपको स्ट्रक्चर दिखेगा और ये स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, सर्कुलर डीएनए है, सर्कुलर डीएनए, और ये डीएनए क्या था, लिनियर, लिनियर, ये सर्कुलर नहीं है, डबल डबल स्टैंडर्ड और लिनियर, ठीक है, यहाँ पे सर्कुलर है, मतलब अगर इफेक्टिवली देखा जाए तो ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है, समझ रहे ना। यहाँ मेम्ब्रेन नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसकी वजह से इस स्ट्रक्चर को सीधा सीधा क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। मेम्ब्रेन लेस जेनेटिक स्ट्रक्चर, दिस इज डीएनए ओनली, मेम्ब्रेन लेस जेनेटिक स्ट्रक्चर मतलब डीएनए, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, डीएनए ऐसे ही पड़ा होता है एक एरिया में, लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं कि न्यूक्लियोइड इधर उधर, अगर मेम्ब्रेन नहीं तो कहीं भी घूमता रहेगा, नहीं, यहाँ पे एसोसिएटेड प्रोटीन्स होती है, हालांकि हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, क्रोमोसोम इसीलिए यहाँ पे हम अलग से नहीं बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर रहेगा प्रोटीन जो कि इसको एक पर्टिकुलर प्लेस पे उसी फॉर्म में इसको रखेगी, समझ रहे ना। सो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, और उस रीजन को बोलते हैं न्यूक्लियोइड रीजन। क्लियर है, क्लियर है, इतनी चाहिए, ओके। और जो मेजर पोर्शन सेल का है, सेल हम कोई बनाते हैं, इसे यहाँ पर भी बोलेंगे, तो ये मेजर पोर्शन, ये सारा जो है जिसमें अदर सेल ऑर्गेनेल अगर है, जैसे यूकैरियोट में सेल ऑर्गेनेल दिखेंगे, तो इनको यहाँ पे हम अगर रखते हैं, ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर जो होता है इसको क्या बोलते हैं, साइटो, साइटो का मतलब सेल होता है, सेल के अंदर जो भी लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट है, ठीक है, डेंस लिक्विड मटेरियल, लिक्विड का मतलब एकदम ऐसे सॉलिड नहीं है, जेली टाइप का मटेरियल है सपोज, लिक्विड या जेली टाइप का मटेरियल सेल के अंदर, ठीक है, प्रेजेंट है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है, प्लाज्मा लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, और यहीं पे सारी जो सेलुलर एक्टिविटी होती है ना मेनली यहीं पे होती है, ठीक है, और ये मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है सेल का कवर करता है। तो साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, इसको याद रखिएगा, मैंने अपने पेपर में भी बनाया था और ये इंपॉर्टेंट है। और ये सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, सेमी का मतलब बिल्कुल पानी की तरह नहीं है, थोड़ा सा उसमें आपको जेली टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा। क्लियर है इतनी चीजें, ओके। तो ये तो हमने ये देख लिया कि भाई जो प्लांट सेल होते हैं उनमें सेल वॉल होता है, एनिमल सेल जो होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं होता है, केवल सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल देख लिए जिसमें न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं होता है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं मिलता है, ठीक है, वहां केवल डीएनए ऐसे एक जगह पे ऐसे रहता है पड़ा हुआ, जिसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। हमने यूकैरियोटिक सेल को देखा, वहां न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, समझ रहे ना, साइटोप्लाज्म के बारे में समझा। अब हम समझते हैं कि सेल है, हम यूकैरियोट सेल की बात कर रहे हैं, तो सेल है अगर, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस हो गया, हमने बना दिया कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनेल होते हैं, जैसे ये एक हमने ऑर्गेनेल बना दिया, ठीक है, ये कौन सा ऑर्गेनेल बना दिया हमने, माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया। दूसरा ऑर्गेनेल अगर ये प्लांट सेल है तो इसको हमने क्या बना दिया, दिस इज क्लोरोप्लास्ट, दिस इज क्लोरोप्लास्ट बना दिया, ठीक है। स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप से हो सकता है, सेल लेंस शेप में भी होता है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, समझ रहे ना। इसके अलावा अगर हम राइबोसोम बना दिए, क्या बना दिए, राइबोसोम, इतना बड़ा नहीं होता है, बस बना दिया, ठीक है, राइबोसोम, राइबोसोम यहाँ भी पाया जाएगा सेल में, साइटोप्लाज्म में भी पाया जाएगा, और यहाँ से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ऐसे जुड़ी होती है, तो इसके ऊपर भी राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है।
इसके अलावा और कहाँ पाया जाता है, यहाँ भी पाया जाएगा। क्यों, हम पढ़ेंगे आगे कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है, ठीक है, ये और माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे भी राइबोसोम होगा। ये दोनों जो होते हैं ना सेमी ऑटोनॉमस होते हैं, सेमी ऑटोनॉमस मतलब ये सेल की तरह पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट तो नहीं होते हैं अभी आज के टाइम पे, लेकिन इनके पास अपना मशीनरी सिस्टम होता है, इनके पास अपना डीएनए होता है और इनके पास राइबोसोम होता है, तो ये अपने कुछ प्रोटीन्स बनाती है, लेकिन फिर भी मेजर फंक्शन के लिए न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंडेंट है। ये जब होता है ना कि भाई यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर या ऐसे जो क्लोरोप्लास्ट की एंट्री होती है, या ये माइटोकॉन्ड्रिया किसी पर्टिकुलर सेल में पावर हाउस की तरह काम कर रहा है ना, जब इसका हम इवोल्यूशन देखते हैं ना, तो इवोल्यूशन में ये पहले देखा गया है कि भाई ये पहले जो होता है ना क्लोरोप्लास्ट भी और ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस था इन दोनों का, ठीक है। हम यहाँ पे वो पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस था, लेकिन धीरे 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 रिलेशनशिप हुआ और ये जो बड़ी सेल थी इसको गल्प कर गई, खा गई, ठीक है, फैगोसाइटोसिस हो गया, लेकिन साइटोसिस नहीं हुआ, केवल फैजी हुई, ठीक है, मतलब ये अंदर आ गए, लेकिन अंदर आ गए तो ये बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे थे, इसको हम देखेंगे, ठीक है, अभी नहीं डिटेलिंग में, अभी जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे या सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कैसे हुआ थोड़ा, ठीक है। सो ऑर्गेनेल्स में हमने बता दिया रेटिकुलम होता है, और ये सारे ऑर्गेनेल जो बता रहे हैं मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स भी होता है, इसको ट्रैफिक पुलिस भी बोलते हैं, ठीक है, यहाँ प्रोटीन का मॉडिफिकेशन भी होता है, ठीक है, ग्लाइकोसाइलेशन वगैरह। लाइसोसोम ये होता है, सुसाइडल बैग होता है, यहाँ पे एसिडिक एंजाइम होता है, लाइसोसोम मेटाइजेशन में हेल्प करता है, या जो फालतू की चीजें होती हैं, डेब्रिज होती हैं, उनको किल करने में भी काम करता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। लाइसोसोम वेसिकल्स बनती हैं जो कि किसी भी सब्सटेंस को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में हेल्प करती हैं, पैक करके, पैकिंग करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पता होगा, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइक्रो बॉडीज का भी रोल होता है, छोटी छोटी बॉडीज होती है, दे आर ऑल्सो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। एंड वैक्यूल, प्लांट के केस में वैक्यूल बहुत बड़ा सा होता है, लगभग 90% ये कवर किया रहता है, इसकी मेम्ब्रेन को हम टोलोप्लास्ट बोलते हैं। वैक्यूल्स आर ऑल्सो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, इसको टोलोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है, समझ रहे ना। लेकिन एनिमल के केस में वैक्यूल या तो अब्सेंट होता है या तो बहुत छोटा होता है, या तो अब्सेंट होगा या बहुत छोटा होगा, शायद क्यों, यहाँ पे इसका कोई रोल एज सच नहीं है, ओके। द प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, तो जितने भी हम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल की बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में ये सब नहीं होता है, अब्सेंट होता है, देयर इज नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। वहां पे कुछ ऑर्गेनेल आपको देखने को मिलेंगे, उसी से फंक्शन पूरा वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। एक ऑर्गेनेल जो होता है राइबोसोम होता है, ठीक है, तो ये दोनों जगह पाया जाएगा, ये प्रोकैरियोट में भी होता है और यूकैरियोट में, बस नेचर चेंज होता है। यूकैरियोट में ये 80S टाइप का होता है, प्रोकैरियोट में 70S टाइप का। एस क्या है, सेडिमेंटेशन यूनिट है, स्वेडबर्ग ने डिस्कवर किया था, तो ये ऐसे चलता है, ठीक है, और ये ऐसे चलता है। यहाँ पे क्या है 50-30, सिंपल मैथमेटिक्स नहीं लगाना है, 60-40, ठीक है। ये लार्जर सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट है, ये लार्जर सब यूनिट है LSU और ये SSU है, स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है, ये SSU है और ये LSU, ध्यान रहेगा। सो ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, फाउंड दोनों में पाया जाता है, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, ठीक है। इसके अलावा हमने पहले ही बता दिया कि इसका लोकेशन कहाँ कहाँ, एक तो साइटोप्लाज्म में होता ही है, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट हमने बताया प्लांट के केस में, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, उसके अलावा जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है, उसके ऊपर उसमें जिसमें पाया जाएगा उसको रफ बोल देंगे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें नहीं पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी आगे देखेंगे। रफ जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या SCR होता है क्या होता है, लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है, क्लियर है कि नहीं। इसके अलावा एनिमल सेल में एक स्पेसिफिक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर या ऑर्गेनेल पाया जाता है जिसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है, परपेंडिकुलर प्रेजेंट होते हैं दो 90 डिग्री पे, और ये जो होता है ना सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, एक्चुअली में हेल्प कैसे करते हैं, यहीं से जो होता है ना स्पिंडल फाइबर जो होता है निकलता है, और स्पिंडल फाइबर बहुत जरूरी है क्रोमोसोम को पोल पे ले जाने के लिए और बाद में सेल को डिवाइड करने के लिए, क्लियर है। अब आते हैं हम डिफरेंट सेल के साइज को देखते हैं, तो अपने मन से हम नहीं पढ़ा रहे हैं यहाँ पे सेल की साइज, जो लिखा है यहाँ पे उसी को ध्यान में रखना है, नहीं तो पता चला कि यहाँ वहां में कंफ्यूजन हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। सो सेल जो होता है प्लांट सेल से एनिमल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल, सब में सेल वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है, डिफरेंट टाइप्स की सेल्स होती हैं, डिफरेंट साइज की सेल्स होती हैं, ठीक है।
साइज शेप एंड एक्टिविटीज, देखिए सब में डिफर करती हैं सेल्स, तो इसको भी ध्यान रखना है, साइज में भी डिफर करती हैं, शेप में भी डिफर करते हैं, एक्टिविटीज में भी। एग्जांपल के तौर पे माइकोप्लाज्मा जिसको पीपीएलओ भी बोला जाता है, प्लीरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है, ठीक है, आर ओनली अबाउट 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, ठीक है, ये 0.1 तक भी हो सकती है, 0.1 to 0.3, ठीक है, माइक्रोमीटर। बैक्टीरियल, बैक्टीरियल सेल जो होती है, बैक्टीरियल सेल कितना से कितना तक हो सकता है, 3 to 5 माइक्रोमीटर नॉर्मली। इसीलिए जब हम बैक्टीरियल सेल को फिल्टर करते हैं, मतलब हमको बैक्टीरिया को बाहर करना होता है, तो 2 माइक्रोमीटर का जो होता है ना वाटमैन पेपर हम यूज करते हैं या फिल्टर यूज करते हैं, 42 या 40 नंबर, ठीक है, अभी ध्यान नहीं आ रहा मुझे, लेकिन 2 माइक्रोमीटर का। इसके लिए सिरिंज भी यूज करते हैं, सिरिंज जिसका साइज जो होता है, पोर साइज कितना होता है, 2 माइक्रोमीटर का, तो उससे क्या होता है सारे बैक्टीरिया यूजुअली बाहर चले जाते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, नहीं तो यूजुअल बैक्टीरिया का साइज कितना होता है, 3 to 5 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मतलब एक सेल हमको देखने को मिलता है, एग किसका, ऑस्ट्रिच का, बड़ा सा दिखता है, वो सिंगल सेल है, ध्यान रखिएगा, एनिमल सेल की बात हो रही है तब। अमंग द मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर अबाउट 7 माइक्रोमीटर, ये ध्यान रखिएगा, ह्यूमन ब्लड सेल्स जो आरबीसी होता है उसकी बात कर रहा है, कितना होता है, 7 माइक्रोमीटर होता है इन डायमीटर, मतलब अगर ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा है तो ये राउंड शेप में लगभग ओवल होता है हल्का सा, तो डायमीटर मान लीजिए कि अराउंड इतना होता है। नर्व सेल की बात करते हैं, नर्व सेल सम ऑफ द लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट नहीं है, लंबी में ऐसे होते हैं, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो हम देखते हैं ना, ऐसे सेल बॉडी होती है, ठीक है, ऐसे इधर से आ रहा है, इधर न्यूरॉन निकला हुआ है, ठीक है, और इधर आके आपका सिनेप्टिक नोड बनते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसका लेंथ सबसे ज्यादा है, ठीक है, समझ रहे हैं ना, लॉन्गेस्ट सेल है ये। सेल्स आर ऑल्सो ग्रेटली वेरी इन देयर शेप, दे मे बी डिस्क शेप, पॉलीगोनल भी हो सकते हैं, कॉलमनर भी हो सकते हैं, क्यूबॉइड भी हो सकते हैं, थ्रेड लाइक हो सकते हैं, इवन इररेगुलर भी हो सकते हैं, मतलब कोई पर्टिकुलर शेप नहीं रहेगा, तो मतलब वेरिएशन ये दिखा रहा है बस और कुछ नहीं, ठीक है, समझ रहे हैं नहीं। यहाँ पे देख लीजिए, आपको दिखा रहा है, ये देखिए नर्व सेल है, ब्रांच एंड लॉन्ग है, ये देखिए ट्राइकिड्स है, इलांगेटेड ट्राइकिड्स हम पढ़ेंगे जब एनाटॉमी पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये देखिए मेसोफिल सेल राउंड एंड ओवल, ये भी ध्यान रखना है भाई, ट्राइकिड्स इलांगेटेड होती है, राउंड एंड ओवल क्या है, मेसोफिल सेल्स है, नर्व सेल देखिए ब्रांच एंड लॉन्ग है, ऐसा मत सोचिए कि ब्रांचिंग होती है कि नहीं होती है, दिख रहा है, ये देखिए रेड ब्लड सेल्स है, राउंड एंड बाइकॉनकेव, ये देखिए व्हाइट ब्लड सेल्स है, अमीबॉयड, अमीबॉयड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अमीबॉयड मूवमेंट भी होता है, ठीक है, अमीबॉयड मूवमेंट भी होता है, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं भाई। ये कॉलमनर है, मतलब ये देखिए लंबा लंबा कॉलम बना रही है ऐसे, ठीक है, तो कॉलमनर सेल्स भी होती है, कॉलमनर इपिथेलियल सेल्स, क्लियर है, लॉन्ग एंड नैरो, तो ये ध्यान रखिएगा। पहले में साइज भी यहाँ अलग से लिखा था, इस बार थोड़ा हटा दिया, तो जो साइज आपको दिया है उसको ध्यान में रखिए, क्लियर है। अब आते हैं हम प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर पे, प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर पे आएंगे, छोड़ दें यहीं पे, ओवरव्यू तो हमने बता दिया ना, हाँ एक सेकेंड, प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर जो है हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे और उसके बाद जो है फिर सेल एनवेलप पढ़ेंगे, समझ रहे हैं नहीं,